और सभी विपक्षी पार्टियां इसको समर्थन दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पप्पू यादव पहुंचे हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इसके किसान आंदोलन में बंदी का समर्थन करने के लिए पटना के सड़कों पे उतरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पप्पू यादव पहुंचे हैं, पूरा किसान का उतरे हैं और पप्पू यादव के समर्थक है जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे झंडे लेकर के नारेबाजी कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे, पप्पू यादव की बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के महिला मोर्चा की जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष है रानी चौबे, उनसे बात करें, क्या मांग रहेगा आपका सरकार? हमारी पार्टी की तरफ से हमारे महिला टीम खड़ी है और हम आए हैं किसानों के हित के लिए। जो ये 3 बिल पास हुआ है और आज भारत बंद है, इसके लिए हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं और आज 16 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन पर हम बैठेंगे धरना पे और पूरे प्रदेश किसानों के हित में कार्य होगा। और ये अगर सरकार का कहना है कि किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, अभी तक सरकार देखिए किसानों में कोई भ्रम नहीं फैला पा रही है। आप देखिए कि अगर किसानों में भ्रम फैला रही है तो किसानों की ये स्थिति नहीं होगी। आज स्थिति ये बन गई है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और चीजें जो हमें दिखाई जा रही है वो चीज होती नहीं है। चीजों पर कार्य करने की जरूरत है, सारी चीजें आगे एकदम निष्पक्ष होकर हम खड़े हैं और हम किसान के हित में आए हैं। कहाँ कहाँ बंद है आपका? आपके हमारी समय आपको बता देंगे, लेकिन 23 तारीख से हम कंप्लीट वाल्मीकि नगर की तरफ प्रस्थान करेंगे और पूरा प्रदेश इसमें आगे बढ़ के पूरे हमारे युवा मोर्चा की टीम। आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष घोषित की गई हैं हाल ही में, तो आप महिलाओं को के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाओं को क्राइम से रोकना होगा। महिलाओं को कहीं ना कहीं जो रेप जैसे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जो ये नाटक कर रही है सरकार कि हम आगे बढ़ के बहुत महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है, महिलाओं को आगे करके नाटक कर रही है। उन चीज़ों पे लगाम लगाने की जरूरत है। महिला सच में शक्ति है, उन चीज़ों को महिलाओं को ही आगे बढ़ना होगा। हमारी पार्टी महिलाओं के समर्थन में जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी रेप केसेस, जो कुछ भी, उस पर रोकथाम लगाएगी। ये थी महिला मोर्चा की प्रकोष्ठ अध्यक्ष जो रानी चौबे हैं, ये भी धरना प्रदर्शन में शामिल है महिलाओं के साथ, पटना के सड़कों पर उतरी है। अभी आयकर गोलाम्बर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है जन अधिकार पार्टी का। आप देख सकते हैं पप्पू यादव भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप में हम अपनी लाइफ कम जीते हैं, अपने फ्यूचर की बात कम करते हैं और दूसरों की बात ज़्यादा करते हैं। हम नीतीश कुमार, लालू, नरेंद्र मोदी, पप्पू यादव की बात यहाँ उलझा के रखा हुआ है जाति पर। मेरी बात सुनिए ना, बिहार में सीमांत किसान ज्यादा है ना, 85-90%। यहाँ किसानों यहाँ जमीन बहुत छोटा है, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा वाला, 20 बीघा वाले जमींदार यहाँ कम है। एक दूसरी तरफ कोसी सीमांचल में आप जाइएगा तो मक्का और इधर आइएगा तो धान, कहीं जाइएगा तो गन्ना, कहीं जाइएगा तो गेहूँ, अलग अलग स्थितियों में है। चलिए सर, आप देखिए कि पप्पू यादव पटना के सड़कों पे उतरे हुए हैं, पूरे किसान वाले रूप अपना करके उतरे हुए हैं पप्पू यादव पटना के सड़कों पे, आप देख सकते हैं। किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, किसान विरोधी कानून वापस लेना। क्या मांग रहेगा? किस तरीके से देश में किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाया गया, उसके खिलाफ में देश के तमाम किसान दिल्ली से लेकर देश के हर हिस्से में धरना पे बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून वापस लो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी गुंगी पहरी सरकार अभी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए। लगातार जो किसान के साथ शोषण कर रहा है केंद्र सरकार, जो 3 अध्यादेश लाया है बिल्कुल किसान विरोधी अध्यादेश है, क्या मांग है कि हर स्थिति में ये अध्यादेश का वापस लिया जाए। अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो लगातार जन अधिकार पार्टी आंदोलन से We'll be right back.